गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MCB के बारे में, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ। और गाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये MCB से रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक विजिट नहीं करा तो प्लीज़ एक बार विजिट करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंस्टाग्राम आईडी से मेरा कुछ हेल्प होगा तो ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं MCB क्या है। तो गाइस, MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये पूरे नाम से ही पता चल रहा है कि ये MCB जो है एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है जो हमारे सर्किट को मेक और ब्रेक करती है। जैसे हम लोग घरों में स्विच का यूज़ करते हैं बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, उसी तरह इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोग स्विच का यूज़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में जो है MCB का यूज़ करा जाता है। तो गाइस, MCB यूज़ करने से हमें जो है दो तरह के प्रोटेक्शन मिलती है। गाइस, मैं आपको प्रोटेक्शन बताने से पहले एक बात ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो हमारा MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो जो है सिर्फ 63 amps तक ही मिलते हैं। यानी कि 63 amps का नीचे आपको MCB मिलेगा, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और अगर 63 amps के ऊपर आपको सर्किट ब्रेकर चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि MCCB। तो इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि MCB का रेंज जो है कितना से कितना के बीच में रहता है। तो गाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको याद रखना है। अब गाइस, बात करते हैं MCB के प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइस, MCB हमें जो है दो तरह के प्रोटेक्शन देती है, पहला शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। गाइस, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है। गाइस, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया अगर किसी भी कारण एबनॉर्मल कंडीशन पे अगर दो फेज आपस में आके टच हो गए या फिर फेज न्यूट्रल आपस में आके टच हो जाता है, तो जिससे क्या होगा कि हमारे MCB तुरंत ट्रिप हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब वही होता है दो फेज आपस में आके मिल जाना या फिर कोई फेज और न्यूट्रल आपस में आकर के मिल जाना। तो MCB के अंदर ये प्रोटेक्शन हमें देखने मिलता है। सपोज मान लीजिए आप MCB से एक मोटर को रन करवा रहे हैं। अब गाइस, वो मोटर रन तो हो रहा है, किसी कारण दो केबल आपस में आकर के शॉर्ट हो जाता है, तो उस टाइम तुरंत इंस्टेंट मिली सेकेंड के अंदर हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा और आगे जो हमारा इक्विपमेंट रहता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरलोड के बारे में। गाइस, ओवरलोड क्या है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। गाइस, सपोज मान लीजिए कोई 7.5 किलोवाट का एक मोटर है जिससे हम लोग एक बेल्ट कन्वेयर को रन करवा रहे हैं, तो अराउंड 14.5 जो है उस मोटर का फुल लोड करंट है। तो इस कंडीशन पे हम लोग सपोज मान लीजिए कि 20 एम्स का एक MCB का यूज़ कर रहे हैं। अब किसी कारण अगर वो बेल्ट कन्वेयर से हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा उस टाइम मोटर में जो है लोड बढ़ेगा। और लोड जब बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है हमारा मोटर पिक करेगा। तो इस सिचुएशन पे अगर हमारा MCB ट्रिप होता है तो इसे ओवरलोड कंडीशन पे ट्रिपिंग बोलते हैं। गाइस, एक बात याद रखिएगा कि ओवरलोड के दौरान जो ट्रिप होता है इस टाइम में MCB हमारा कुछ टाइम लेता है। सपोज मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हमारा MCB ट्रिप होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट के दौरान इंस्टेंट हमारा MCB जो है वो ट्रिप हो जाता है, वो मिली सेकेंड के दौरान। तो आई होप गाइस कि मैं आपको समझा सका कि आखिर MCB का पूरा क्या नाम है, MCB से रिलेटेड फैक्ट के बारे में, और MCB कौन कौन से प्रोटेक्शन देते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और गाइस, फिर से बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाकर के इंस्टाग्राम पे मिलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल है तो ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।